तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था इनहेरिटेंस और उसमें हमने देखी कि कैसे पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड काम करते हैं उसका एक बेसिक डेमो किया था हमने उसमें और भी काफी सारे ट्विस्टर्स हो सकते हैं लेकिन हम उसको आगे कुछ और तरीकों में फिर से यूज करके फिर से देखेंगे आज हम कुछ और देखेंगे Uh, तो मैं आज एक क्लास बनाते हैं एक सिंपल मैंने एक हम काम करते हैं जैसे हम बनाते हैं वैसे ही सिंपल एक बना दिया इसमें कोई डिफरेंट चीज नई नहीं है अभी ठीक है तो मैं यहाँ पे एक सपोज uh, एक इंट, एक्स लेता ठीक है तो मैंने इसको यहाँ पर चूंकि मैंने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है ठीक है तो पब्लिक में मैं क्या लिख रहा हूँ पब्लिक में मैं लिख रहा हूँ सपोज एक कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर में ए को मैं वैल्यू देता हूँ टेन सिंपल दिस थिंग ठीक है तो ऑब्वियसली ये एक्स जो है ये ए में ये एक्स जो है हमारा ये इस ए में एक्सेसिबल है किसी भी पब्लिक मेथड में इस क्लास की मेथड में एक्सेसिबल है लेकिन ये एक्स वैल्यू जो है ये एक्सेसिबल नहीं है एक्सेसिबल नहीं है

सी आउट कर रहे हैं x का वैल्यू ठीक है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ये शो फंक्शन जो है ये मेथड एक अलग जो है ये इस क्लास की मेथड नहीं है ठीक है एक तो इस क्लास की मेथड नहीं है तो डायरेक्टली एज़ पर जो हम अभी तक जानते हैं कि इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा इस x को ये बोल गया x अनडिफाइंड डिफाइन ही नहीं है दूसरी चीज ये show किसी ऐसी क्लास फंक, की फंक्शन भी नहीं है किसी ऐसी क्लास की मेथड भी नहीं है जिसने इस क्लास ए को इनहेरिट किया हो यानी इसका इस ए से इस X के साथ डायरेक्ट कोई भी कोई भी डायरेक्ट लिंक है ना इनडायरेक्ट लिंक है ठीक है अगर मैं सपोज इस शो को यहां पे कॉल करूं ठीक है और मैं चाहता हूं मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो डेफिनेटली आई विल गेट एन एरर यहाँ पे मुझे बोलेगा एक्स इज नॉट डिक्लेयर ये जो एक्स ही ही है ये तो कहीं है ही नहीं हालांकि मैं चाहता था मैं यहाँ पे मुझे डिक्लेयर नहीं करना है कोई चीज मैं चाहता था मैं इस इस एक्स को एक्सेस ठीक है तो हमारे पास एक तरीका है हमारे पास एक तरीका है इनहेरिटेंस के बगैर भी इनहेरिटेंस के बगैर भी एक तरीका है हमारे पास जहां पर हम क्या कर सकते हैं वी कैन एक्सेस सम डेटा ऑफ ए क्लास हम एक क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हैं Without, without that, uh, without making inheritance, yeah, inheritance के बगैर ही यानी इस क्लास ए को किसी क्लास में किए बगैर ही पॉसिबल है कि ये फंक्शन मुझे ये फंक्शन मुझे इस एक्स को यहां एक्सेस कर पाए हाउ कैन इट एक्सेस देन ये कैसे इसको एक्सेस करेगा ठीक है इसको एक्सेस करने के लिए इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है ठीक है हमारे पास एक कंसेप्ट है एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन वी आर टू कंसेप्ट्स एक्चुअली वन इज कॉल्ड एज फ्रेंड क्लास एंड अनदर इज कॉल्ड एज फ्रेंड फंक्शन हम अभी फ्रेंड फंक्शन देखेंगे ठीक है तो फ्रेंड फंक्शन क्या होती है अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं इस इस फंक्शन को लिखूंगा इस वाली फंक्शन को लिखूंगा यहां पे ठीक है लेकिन इसके आगे मैं लिखूंगा फ्रेंड इसका मतलब अब इसका मतलब मैंने यहां पर मैंने, डिक, मैंने बता दिया इसको कि ये जो वाई, ये जो शो है शो इज your फ्रेंड तो शो क्या है मैं इसको बता रहा हूं यहाँ पे एक फंक्शन है इस क्लास के बाहर कहीं पे जिसका नाम इसका रिटर्न टाइप वाइड है और उसका नाम है शो अब मैंने उसको क्या बना दिया है फ्रेंड तो ये आपका फ्रेंड है फ्रेंड होने का मतलब इट कैन यूज इट कैन एक्सेस दिस ये एक्सेस कर सकता है इस एक्स को ठीक है तो यहाँ पर भी मैं सपोज एक ऐसी आ, ऐसा भी बना सकता हूँ न्यूज डिफरेंट थिंग्स सपोज मैं यहाँ पे इंट गेट एक्स एक बनाऊंगा तो

मैं चाहता हूँ इसकी जो भी चीज़ें हैं इसके पास जो भी चीज़ें हैं चाहे एक्स है है जितने भी चीज़ें होंगी इसके पास जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो मैं चाहता हूँ उनको इस क्लास के बाहर एक्सेस करना लेकिन मुझे इनहेरिटेंस यूज नहीं करनी है ठीक है अगर मुझे इनहेरिटेंस यूज नहीं करनी है और अगर इस क्लास के बाहर इस क्लास के बाहर किसी फंक्शन में मुझे ये चीज़ें यूज करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा इस क्लास के अंदर ही कि एक फंक्शन है वो आपका फ्रेंड है ठीक है वो आपकी फ्रेंड है तो इस, मैंने इसको यहाँ पे फ्रेंड कर दिया इसका तो की वर्ड है और मैंने इसमें ठीक इस है तो दिस इज सिंपल कि कैसे बताया अब इस ये वाइड शो हमारे पास एक फंक्शन है ये ठीक है अब मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और ए के नाम का एक ऑब्जेक्ट सपोज ऑब्जेक्ट टू लिखता ठीक है देन अब मैं चाहता हूं इस ए का वैल्यू मैं यहां चाहता हूं क्योंकि ए का वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूं गेट एक्स से ठीक है तो रिटर्न हो जाएगा गेट एक्स से ठीक है तो अब मैं देखता हूँ इससे पहले मैंने देखा था कि इस एक्स का वैल्यू मुझे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हुआ था मैं इसको इसको यहां पे भी नहीं कर पा रहा था इससे पहले जो हमने देखा था विदाउट यूजिंग दिस फ्रेंड जो फ्रेंड हमारा तरीका है फ्रेंड करने का फ्रेंड अभी तक हमने इसको नहीं किया था इससे पहले हमने जो इससे पहले इसको देखा था एग्जीक्यूट करके ये हुआ ही नहीं था एग्जीक्यूट इसने बोला था इस एक्स को आप हासिल ही नहीं कर सकते यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आप तो फ्रेंड हो ही नहीं आप तो एक्सरसाइज को कर ही नहीं सकते लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया मैंने अभी इसको बता दिया कि एक फ्रेंड है आप फंक्शन है जो कि फ्रेंड है आपकी ठीक है और मैं देखता हूँ वैल्यू आ जाता है ठीक है तो मैं अपनी मेन वाली फंक्शन में आ जाता हूँ मैं A का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सपोज ठीक है अब जो ही मैंने A का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इससे क्या हुआ इससे इस कंस्ट्रक्टर क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है ये, ये वाली फंक्शन जो है ये कंस्ट्रक्टर है आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टर ऐसी फंक्शन होती है जिसका नाम और क्लास का नाम जो है आइडेंटिकल होता है इसका क्लास का नाम ए है और इस फंक्शन का भी मैथ का भी नाम ए है तो ऐसा करने पर क्या होता है कंस्ट्रक्टर हो जाता है तो कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्र की खासियत क्या है जो ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर को खुद ब खुद कॉल हो जाती है तो जो ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर को कॉल हुई और इस एक्स में वैल्यू चला गया टेन ठीक है उसके बाद मैं इस शो वाली फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करता हूँ देखो मैंने शो वाली फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया एज क्योंकि कि एक नॉर्मल फंक्शन है ये किसी क्लास की फंक्शन नहीं है अगर किसी क्लास की फंक्शन होती तो मैं मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया मैंने इसको डायरेक्टली कॉल किया ठीक है अब जो यहाँ पे चला जाएगा अब यहाँ पे ये क्या है क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है अब यहाँ पे मैं इसके आर्गमेंट लिस्ट में ही इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना क्यों ऑब्जेक्ट बनाता हूं अब यहाँ पे ये यह सोचने की बात है क्योंकि अगर मुझे किसी भी क्लास किसी क्लास की मेथड को कॉल करना है मैं उसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाता मैं उसको कॉल कर पाता हूं यूजिंग ऑब्जेक्ट तभी मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे इस क्लास की मेथड को कॉल किया ठीक है ये वाली फंक्शन जो शो वाली फंक्शन है इसको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये किसी क्लास की फंक्शन ही नहीं है ये तो एक बाहर है एक स्टैंड अलोन मेथड है स्टैंड अलोन फंक्शन एक है ठीक है तो इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका नाम लिखा और कॉल किया ठीक है लेकिन जब मुझे इस गैटेक्स को कॉल करना है ऑब्वियसली गैटेक्स क्लास ए का जो है एक मेथड है तो उसके लिए मुझे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ठीक है अब मैं देखता हूं मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ ओह सॉरी यहां पे मुझे ये मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना है तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ ठीक है क्योंकि ये एक्सपेक्ट मुझे करता है कि एक टाइप का मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पे इसका नाम ओबीजे और यहां पे इसका नाम मैंने ओबीजे टू रखा है इसमें कोई फर्क नहीं है ठीक है तो मैंने इसको कॉल किया और एग्जीक्यूट किया तो हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है टेन तो मिल गया ठीक है तो इससे क्या पता चला मुझे इससे जो हम कल देख रहे थे या इससे पहले हमें जो चीजें पता थी कि एक क्लास की अगर हमें एक क्लास का डेटा अगर हमें किसी और क्लास में किसी और जगह यूज करना है तो हमें एक इससे पहले हम क्या करते थे इनहेरिट करते थे अब इनहेरिट क्या हो जाता है इनहेरिट से क्या होता है कि ये सारा का सारा जो कोड है वो सारा का सारा कोड उसमें चला जाता था उस वाले क्लास में कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि सारा कोड उसको देने की जरूरत नहीं है लेकिन हम चाहते वह हमारा कोड यूज करे ठीक है वो हमारा कोड यूज करे लेकिन वो एक ऐसा भी हो सकता है कि वो एक क्लास ना हो ठीक है वो एक क्लास ना हो लेकिन हम चाहते हैं वो हमारा क्लास हमारी चीजें जो है उनको यूज कर सके हमारे डेटा को यूज कर सके एट दैट टाइम वट वी डू तो एक अगर हम एक फंक्शन हमारे पास है और हम चाहते हैं हमारे वो फंक्शन जो है उसको एक्सेस मिले हमारे डेटा को तो उस वक्त हम उस फंक्शन को फ्रेंड कर देते हैं क्या तरीका है पहले हम लिखते हैं फ्रेंड फिर उसका रिटर्न टाइप और फिर उसका नाम ठीक है और यहाँ पर मैंने इसका वैसे ही काम कर दिया थीके? अब यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ वाली, वाली तो एक तो एक ये ये आपके यहाँ पे आ, डिफाइन नहीं किया गया है ठीक है तो ऐसी चीजें काम नहीं करती है तो एक्चुअल में मुझे इस एक्स का जो डेटा है क्योंकि डायरेक्टली हम इस एक्स को एक्सेस नहीं करते प्राइवेट डेटा है डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा ये कैसे एक्सेस होगा ये एक्सेस होगा वाया पब्लिक फंक्शन हाँ अगर मैं ऐसे करूं अगर मैं ऐसे करूं ठीक है और इसको एक्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो देन ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है क्यों हो जाएगा क्योंकि मैंने इस एक्स को अब ऑब्जेक्ट टू के साथ एक्सेस किया ठीक है अब यहाँ पे ये एक आ, अगर आप ध्यान अगर आपका थोड़ा ध्यान रहेगा अगर मैं क्लास के बाहर क्लास के बाहर इसको इस एक्स को डायरेक्टली यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहूँ मुझे नहीं होगा मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है लाइक like हेयर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स इज कॉल्ड ट्वेंटी करना चाहूं, चाहूंगा ठीक है नीचे मैन वाली फंक्शन में, में ठीक है तो यहाँ पे मुझे ये एरर एक दिखाएगा ये बोलेगा मुझे क्योंकि ये X जो, है, ये X जो है ये एक प्राइवेट मेंबर है आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन अपनी फ्रेंड वाली अपनी फ्रेंड वाली फंक्शन में मैंने इसी प्राइवेट मेंबर को यूजिंग एन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस किया यूजिंग ए पब्लिक फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं as well as using direct, directly by दो चीजें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है इसी इसी क्लास का यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया था यहां पर उससे मैं इस एक्स को डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर पाया मुझे उस एक्स एक्स को एक्सेस करने के लिए उसके एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा लेकिन इस फ्रेंड वाले फंक्शन में फ्रेंड वाले फंक्शन में ये एक सिंपल सिटी है हमें कि फ्रेंड का फंक्शन जो जो है वो इस इस एक्स को या इस जो भी हमारे पास होगा एक्स वाई जितना भी डेटा यहाँ पे होगा चाहे वह प्राइवेट हो प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो इसको डायरेक्टली अब ऑफ कोर्स पब्लिक हमें अगर यहाँ पे कुछ चीजें पब्लिक होंगी तो उसको मैं डायरेक्टली सपोज यहाँ पे मैं एक पब्लिक uh, में एक इंट वाई करता हूं ठीक है तो ये इंट वाई अगर आप देखोगे यहाँ मेन वाली फंक्शन में ओ बीजे डॉट वाई इज वैलिड ये वैलिड है देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया ठीक है लेकिन ओ बी जे डॉट एक्स नहीं कर पाया मैं, क्यों क्योंकि वो प्राइवेट था और पब्लिक चीजें हम ऑब्जेक्ट से कर पाते हैं एक्सेस लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है फ्रेंड फ्रेंड में फंक्शन हमारे प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है लेकिन याद रहे हम एक्सेस कर सकता है लेकिन यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से यू एक्सेस कर सकता है हाँ यूजिंग एन पब्लिक फंक्शन वैसे तो कर ही सकता है लेकिन यूजिंग ऑब्जेक्ट भी डायरेक्टली कर सकता है ठीक है, है तो दिस वॉज अ शॉर्ट डिटेल अबाउट व्हाट एफ फ्रेंड फंक्शन इज एक फ्रेंड फंक्शन क्या होती है एक फंक्शन होती है जो कि आउटसाइड आउट क्लास होती है एक क्लास की फंक्शन एक क्लास की मेथड नहीं होती है अब वो उसमें खासियत क्या होती है friend, अगर हम किसी फंक्शन को फ्रेंड कर यानी हम बता दे एक क्लास में उसको डिक्लेयर कर दे कैसे डिक्लेयर करना है पहले फ्रेंड लिखना है फिर उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना है फिर उस फंक्शन का नाम लिखना है और फिर उसमें जो क्लास होंगे जो उसके आर्ग्यूमेंट होंगे वो लिखने हैं ठीक है थीके? तो एक फ्रेंड फंक्शन एक ऐसी फंक्शन है जो कि एक क्लास की फंक्शन नहीं होती ठीक है लेकिन उसको हम एक्सेस देते हैं अपने क्लास के डेटा को का ठीक है तो अपने क्लास का डेटा किसी और फंक्शन को जो कि इस क्लास की फंक्शन नहीं है एक्सटर्नल फंक्शन है तो उसको अगर हमें एक्सेस देना हो उस फंक्शन को अगर हमें एक्सेस देना हो अपने क्लास के डेटा को तब तब हम क्या करते हैं उस फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड बनाते हैं ठीक है ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है हम एक पूरे के पूरे क्लास को ही फ्रेंड बना सकते हैं ठीक है एक पूरे के पूरे क्लास को ही फ्रेंड बना सकते हैं उसके लिए भी तरीका है वो भी हम देखेंगे लेकिन एक ये एक सिंपल तरीका है ज्यादातर हम एक क्लास को फ्रेंड बनाने से ज्यादा बेटर है एक हम एक बेटर क्या है ऑप्शन है हमारे पास सीधे एक फंक्शन को ही फ्रेंड बनाते हैं ठीक है क्योंकि क्लास को फ्रेंड बनाएंगे तो हमारे पास क्योंकि इनहेरिटेंस है इनहेरिटेंस में हमें एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती है इनहेरिटेंस में हमें एक्स्ट्रा ऑप्शनल भी मिलते हैं फ्रेंड क्लास में हमें एक्स्ट्रा वो ऑप्शनल नहीं मिलेंगे क्योंकि और रियूज जब हम कोड बोलते हैं रियूज कोड एक्चुअल एक्चुअली में इनहेरिटेंस है ठीक है तो ये तो था बेसिक्स बेसिक्स हाउ वी कैन एक्चुअली डू वी कैन यूज अ फ्रेंड फंक्शन इन आवर क्लास